दो दिन पूर्व बसपा की पूर्व विधायक विजय यादव द्वारा भाजपा की विधायिका साधना सिंह का सिर काटकर लाने वाले बयान के बाद अब भाजपा भी मैदान में उतर आई है। आज भाजपा युवा मोर्चा के क्षेत्रीय अध्यक्ष ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ एसएसपी से मिलकर बसपा की पूर्व विधायक के खिलाफ एक तहरीर देकर कार्यवाही की मांग की है। भाजपा की विधायक साधना सिंह द्वारा मायावती पर की गई टिप्पणी के बाद से राजनीति में भूचाल आ गया है। हाल ही में ठाकुर द्वारा क्षेत्र से बसपा के पूर्व विधायक विजय यादव ने बेहद ही विवादित बयान देते हुए भाजपा विधायिका साधना सिंह का सिर काटकर लाने वाले को 50 लाख का इनाम देने की घोषणा कर दी थी, जिसके बाद से भाजपा अपने विधायक के पूरे समर्थन में आकर खड़ी हो गई है। आज भाजपा युवा मोर्चा के क्षेत्रीय अध्यक्ष राजू कालरा कार्यकर्ताओं के साथ एसएसपी कार्यालय पहुंच गए और भाजपा विधायक का सिर काटने के मामले में सुपारी देने की धाराओं में मुकदमा दर्ज कराने के लिए एसएसपी मुरादाबाद को एक तहरीर सौंपी है। कार्यालय से बाहर आकर राजू कालरा ने मांग की है कि सुपारी देने वाले और लेने वाले दोनों पक्ष के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कराने के लिए आए हैं। बसपा के विधायक रहे हैं, उन्होंने जब गठबंधन के दिन मायावती के जन्म मायावती जी के जन्मदिन के दिन कहा कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को बसपा और सपा के नेता दौड़ा दौड़ा कर पीटेंगे, जिससे कि उनकी मानसिकता साफ तौर से प्रदर्शित हो रही थी। अभी परसों जो है विजय यादव जी का स्टेटमेंट आया है कि माननीय विधायक साधना सिंह का जो सिर काट कर लेकर आएगा उसको मैं 50 लाख रुपए का इनाम दूंगा। सीधे सीधे सुपारी दी गई है, इनको काट का मुकदमा बनता है। इसके लिए आज हमने मुरादाबाद के पुलिस महानिरीक्षक जी को एक उनके खिलाफ तहरीर दी है, इसमें मुकदमा करवाएंगे। और मैं यहाँ बता देना चाहता हूँ, सपा और बसपा के जितने आपराधिक लोग हैं कि ये सपा बसपा की गुंडे माफियाओं की सरकार नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी की योगी जी के लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन वाली सरकार है, जहां कानून व्यवस्था मेंटेन रहती है। और इस तरीके की कोई बयानबाजी करेगा तो उसका दिमाग बिल्कुल ठीक करवा दिया जाएगा, बिल्कुल ठीक कर देगी सरकार। और इस तरीके की गलत बयानबाजी कतई नहीं करनी चाहिए और ये बिल्कुल सुपारी दी गई है। और इसमें हमने कप्तान साहब से मैंने पर्सनली मिलकर भी कहा गया है कि कौन से किलर सुपारी किलर उन्होंने जो है हायर किए हैं, उनकी भी जांच करी जाए। जो साधना सिंह जी का माननीय सांसद साधना सिंह जी का विधायक का सिर काटने के लिए कह रहे हैं और उनके खिलाफ भी कार्रवाई करी जाए, जो सुपारी किलर इसमें शामिल हैं, और विधायक पूर्व विधायक विजय यादव जी के खिलाफ भी एफआईआर। किस तरीके से दिमाग आप ठीक करवाएंगे? आपने कहा कि अभी दिमाग ठीक करवाएंगे, किस तरीके दिमाग ऐसा ना कि उनके गठबंधन से उनमें जो उनका उनको ऐसा लगने लगा है कि जो है हम फिर से जो है माफियागर्दी करेंगे। और ये सरकार माफियाओं की नहीं है, प्रशासन जो है मेंटेन रखता है इसमें लॉ एंड ऑर्डर। आपने देखा होगा पहले भी जितने गुंडे बदमाश थे उन्होंने जाके थानों में अपना समर्पण किया कि पूरे हमारा जो है सरेंडर कर लो, हम जो है अपराध नहीं करेंगे। अगर उनको लग रहा है कि गठबंधन के माध्यम से और ये जो है सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए